नाउ वी हैव चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो देखिए लास्ट चैप्टर में हमने न्यूटन फॉर्मूले पढ़े थे जिसमें कि जो टेबल दे रखी थी हमारे पास, तो टेबल बना लेते हैं। जैसे ये x है, ये एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स एंड सो ऑन, और लास्ट में सपोज ये एक्स एन तक आ गए थे। ये हमारे पास वाई की वैल्यूज़ हैं, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स एंड वाई एन। तो देखिए तो न्यूटन वाला फॉर्मूला था, एक फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ किया था हमने, वेन वैल्यू ऑफ वाई इज़ टू बी फाउंड नियर अबाउट एक्स नॉट, यानी जब एक्स नॉट के आसपास हमें वैल्यू निकालनी होती है तो हमें न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ किया था, और अगर एक्स नाइन के आसपास वैल्यू निकालनी है तो हमें यूज़ किया था बैकवर्ड वाला फॉर्मूला। लेकिन जो सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले हैं वो कब यूज़ करेंगे, जब हम इनके बीच में कोई वैल्यू रखी होगी आसपास, यानी कि एक्स फोर के आसपास कोई पॉइंट है, एक्स फाइव के है, एक्स थ्री के है, तब हम न्यूटन वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पूरा टेबल यूज़ नहीं हो पाएगी। तो पूरी टेबल यूज़ हो जाए उसके लिए हम यूज़ करें सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वो देख लेंगे कि जो वैल्यू निकालनी है किसके आसपास है, वो एक्स थ्री के नियर है या एक्स फोर के नियर है। मान लीजिए वो एक्स थ्री के नियर है तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन को एक्स थ्री पर शिफ्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे यू, तो यहाँ पर यू की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यहाँ पर हो जाएगी फिर वो माइनस वन, यहाँ पर हो जाएगी वो माइनस टू, यहाँ पर हो जाएगी माइनस थ्री, यहाँ पर हो जाएगी प्लस वन, यहाँ पर टू, यहाँ पर थ्री एंड सो ऑन। इस तरह से ओरिजिन शिफ्ट हो गया हमारे पास एक्स थ्री पे। तो अब देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनता है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है आर्टिकल 4.2 में, इसका नाम है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे बनाएंगे, तो न्यूटन वाला फॉर्मूला जो हमें पता है उसका यूज़ करते हैं। सिंस वी नो दैट कि न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन इज, तो वो क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस में यू डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस में यू यू माइनस में वन बाई टू फैक्टोरियल डेल्टा स्केयर एफ ए प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस में टू और वाई में थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। अब इसमें देखिए जो ए है, ए हमने ले रखा है इसको, लेकिन हम शिफ्ट कर रहे हैं जब यहाँ पर, तो ए हम इसको लेके चलेंगे, इसको लेंगे तो हमारे पास यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं विच कैन बी रिटन एज, तो हम इसको लिखेंगे एफ एक्स, अब एफ की जगह पे हम वाई का यूज़ कर लेते हैं तो लिखेंगे वाई एक्स, इसको लिख देंगे हम वाई नॉट। ये नॉट जो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है यू की वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे यू की वैल्यू जीरो आ चुकी है। प्लस में अब देखिए यू है यहाँ पर, यू यू माइनस वन है यहाँ पर, यू यू माइनस वन, यू माइनस टू, बाई थ्री फैक्टोरियल है, इन सब की नोटेशन दे देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको, जैसे बाई में ऊपर फैक्टोरियल है तो इसको लिख दिया हमने यू वन, और ये डेल्टा एफ ओ फेक को क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई, ये आपके पास क्या था वाई नोट, तो डेल्टा वाई नोट आ गया। इस पूरे को लिख देते हैं हम यू टू, और ये क्या लिखेंगे डेल्टा स्केयर वाई नोट। प्लस में इसको लिखेंगे यू थ्री, इसको लिखेंगे हम डेल्टा क्यूब वाई नोट, उसके बाद लिखेंगे यू फोर और डेल्टा रेस टू पावर फोर वाई नोट, फिर यू फाइव और डेल्टा रेस टू पावर फाइव वाई नोट एंड सो ऑन। तो देखिए इस नोटेशन से क्या हुआ कि इतने बड़े को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आप लिख देते हैं वेयर यू, जैसे वन है, टू है, थ्री है, तो आर अगर लिखते हैं यहाँ पर तो इसका मतलब क्या बनेगा कि यू यू माइनस वन, यू माइनस टू और यू माइनस में आर प्लस वन और बाई में आर फैक्टोरियल। तो इसको हम नंबर वन मान लेते हैं और इसको हम नंबर टू मान लेते हैं।
अब हम इस फॉर्मूले से गॉस फॉरवर्ड फार्मूला कैसे बनाएंगे, हम इसकी पहले दो टर्म को छोड़ करके उसके बाद की जितनी भी टर्म्स है सभी में जो सबस्क्रिप्ट है उसको हम डिमिनिश कर देंगे वन से, यानी कि इसको माइनस वन बना देंगे, जीरो दिखाई दे रहे हैं। तो नाउ एक्सेप्ट द फर्स्ट टू टर्म्स इन वन वी डिमिनिश द सबस्क्रिप्ट बाय वन यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है कि डेल्टा रेज टू पावर एन प्लस वन वाई माइनस वन इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा रेज टू पावर एन, इससे नेक्स्ट कौन सा होगा वाई जीरो, उसमें से क्या घटाएंगे, यही घटाएंगे डेल्टा रेज टू पावर एन वाई माइनस वन, यहाँ से ये नोट वाले निकाल लेते हैं, माइनस वन में शिफ्ट हो जाएगा ये, दिस इंप्लाइज डेल्टा रेज टू पावर एन वाई नोट इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं डेल्टा रेज टू पावर एन वाई माइनस वन और प्लस डेल्टा रेज टू पावर एन प्लस वन वाई माइनस वन। तो इसका यूज़ करके हम इसमें शिफ्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दो तो एच डी छोड़ रहे हैं, यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर वाई नोट है तो एन के लिए टू रखेंगे, उसके बाद थ्री भी आया हुआ है, फोर भी आया, फाइव भी आया हुआ है, तो इसमें पुट करते हैं, इसको थ्री मान लेते हैं, तो पुटिंग एन इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, टू फिर थ्री फोर और फाइव एंड सो ऑन। तो टू के लिए देखिए हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन। अब थ्री पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा क्यूब वाई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल्टा रेज टू पावर फोर वाई माइनस वन। अगर ये फोर पुट करते हैं इसमें देखिए क्या बनेगा, डेल्टा रेज टू पावर फोर वाई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा रेज टू पावर फोर वाई माइनस वन प्लस डेल्टा रेज टू पावर फाइव वाई माइनस वन। तो देखिए ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इस नंबर वन में। नाउ यूजिंग दीज वैल्यूज इन वन तो वी हैव, तो देखिए वन क्या बन जाएगा, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नोट प्लस में यू वन और डेल्टा वाई नोट, पहले दो टर्म एज इज रखनी थी हमने, इसके बाद रखना है तो प्लस में यू टू डेल्टा स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू हमारे पास आई है डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन, उसके बाद प्लस में यू थ्री डेल्टा क्यूब वाई नोट की वैल्यू है डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल्टा रेज टू पावर फोर वाई माइनस वन प्लस यू फोर, और डेल्टा फोर वाई नोट की वैल्यू है हमारे पास डेल्टा रेज टू पावर फोर वाई माइनस वन प्लस डेल्टा रेज टू पावर फाइव वाई माइनस वन एंड सो ऑन। दिस इज इक्वल टू वाई नोट प्लस में, अब देखते हैं कुछ चीज़ें कॉमन आएंगे हमारे पास, जैसे ये कॉमन आया हुआ है, यहाँ तक तो कोई कॉमन नहीं है, तो ये एज इट इज यू वन डेल्टा वाई नोट प्लस में यू टू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन, अब यहाँ से कॉमन लिया हमने तो क्या बच गया यू टू और यहाँ से यू थ्री और डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन, ये कॉमन लिया हमने, वैसे ही अब ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यू थ्री प्लस यू फोर और डेल्टा रेज टू पावर फोर माइनस वन एंड सो ऑन। अब ये देखिए इनका सम कैसे करेंगे हम, तो इनका सम हमारे पास क्या होगा, तो नाउ आप देखोगे अगर हमने लिखा इसको यू आई और प्लस इस नेक्स्ट है ये यू आई प्लस वन, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, इनको अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास बनेगा यू प्लस वन और आई प्लस में वन। जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है एन सी आर प्लस में एन प्लस वन सी आर इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन, तो सेम फॉर्मूले की वजह से इसमें भी हमारे पास यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो देयरफॉर जो वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास अब क्या बन जाएगी, वाई नोट प्लस में यू वन और ये डेल्टा वाई नोट प्लस में यू टू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन, इनका सम हमारे पास आएगा यू प्लस वन और यहाँ पे थ्री और ये डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन, इनका सम हमारे पास क्या बनेगा यू प्लस वन फोर डेल्टा रेज टू पावर फोर माइनस वन, उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी यू प्लस वन
और यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, ठीक है, 3 है, 4 है, फिर ये 5 आएगा और डेल्टा रेस टू पावर 5y-1 एंड सो ऑन, ऐसे बन जाएगा। अब हम फिर से वही तरीका लगाएं जैसे पहले हमने दो टर्म के बाद किया था, उसके बाद हम अब पहली चार टर्म के बाद यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो सबस्क्रिप्ट है उसको डिमिनिश करेंगे 1 से। तो नाउ एक्सेप्ट फर्स्ट 4 टर्म्स डिमिनिश द सबस्क्रिप्ट ऑफ वाई विद 1। तो वी हैव, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो ऊपर किया था हमने, तो क्या आएगा वाई एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, वाई नॉट प्लस में यू वन और डेल्टा वाई नॉट प्लस यू टू और डेल्टा स्केयर वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन 3 डेल्टा रेस टू पावर 3 वाई माइनस वन। तो देखिए पहले चार टर्म हम लिख चुके हैं, इसके बाद हम इसको डिमिनिश कर रहे हैं, तो फिर से क्या बनेगा, ये प्लस आएगा यू प्लस वन और ये 4 आ जाएगा और डेल्टा रेस टू पावर 4 वाई माइनस में 2, क्योंकि हमने सबस्क्रिप्ट को डिमिनिश कर दिया है। तो यानी पहले में आप देखिए 0 है, फिर ये माइनस वन है, नेक्स्ट 2 में फिर नेक्स्ट 2 माइनस 2 मिलेगा, इसके बाद आएगा फिर ये यू प्लस 2, यानी ये देखें तो u प्लस वन हमारे पास दो बार आ चुका, तब u प्लस टू आया, अब ये 4 के बाद 5 लिखेंगे और ये डेल्टा रेस टू पावर 5 और ये y, अब ये माइनस 2 स्टार्ट हुआ तो माइनस 2 ही चलेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट में y 3 आ जाएगा माइनस में एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और ये जो फॉर्मूला है वो यूजफुल कब रहेगा, दिस फॉर्मूला इज यूजफुल व्हेन u lies between 0 and +1/2। तो देखिए